हेलो व्हाट्सअप पब्लिक, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल DBM। बोले तो डायनिक बाय मोई। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे छोटे से प्यारे से व्लॉगिंग चैनल पे। और आज हम आए हुए हैं गोराई में। हम लोग आए हुए एक प्राइवेट फार्म हाउस में, प्राइवेट लाइक वो भी वन डे के लिए, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है जो वन डे के लिए फार्म हाउस ढूंढते, वन नाइट के लिए भी ढूंढते, और वो भी प्राइवेट वाला, ताकि लाइक वापस हमारा ग्रुप हो, उसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप ना हो। तो हमें भी ऐसे एक मिला है प्राइवेट फार्म हाउस जो कि गोराई में बहुत ही इजी ट्रैवल के साथ और बहुत ही सस्ते में। तो सब बात करके डिटेल में, तो आपको एक एक करके मैं यहाँ क्या पूरा फार्म हाउस आपको बताता हूँ, यहाँ क्या प्राइसिंग, यहाँ का वन डे प्राइसिंग, यहाँ पे ग्रुप प्राइस क्या है, फूड विथ फूड सब कुछ आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए आपको शुरू करते हैं बाहर से। तो ये है हमारा कुछ एंट्री गेट इस विला का। वैसे आपको बता दूँ, इस कॉटेज का नाम है गोराई बीच कॉटेज, जो कि आपको इजीली गूगल पे सर्च करने के बाद मिल जाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे झाड़ है और काफ़ी ग्रीनरी वाला कॉटेज है ये। यहाँ पे आपको काफ़ी लाइक बहुत ही शांति जगह है, यानी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाती है बाहर। कोई भी अगर आप फंक्शन करना चाहते हो, कोई एक पार्टी करना चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप टेबल्स एंड ऑल, यहाँ पे आप डेकोरेशन वगैरह भी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी एंड उस सब के लिए कॉटेज बहुत ही अच्छा है। एंड ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, ये घर है इस ओनर का। यहाँ पे ओनर रहते हैं जिनका नाम है एलन, तो आप उनको ही कांटेक्ट कर सकते हैं इस विला में आने के लिए। यहाँ पे वैसे हम लोग भी बर्थडे पार्टी के लिए आए, हमारे जो ऑफिस फ्रेंड है उसका आज बर्थडे है, तो हम लोग वन डे के लिए यहाँ पे आए थे। एंड जो हम लोग ने डेकोरेट किया है वो हम लोग ने किया है कॉटेज के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप बाहर ही, यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज है, उसके यहाँ पे झूले भी बहुत सारे लगे हुए हैं, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा वाइब्स है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी आप पीस इसके साथ यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, रेस्ट करने के लिए अगर आप आना चाहते हो तो भी ये बहुत ही अच्छा कॉटेज है। ये एक्चुअली पड़ता है गोराई में, यहाँ पे आप इजीली आ सकते हो मलाड़ से मनोरी होते हुए बोट के से। अदरवाइज आपके पास सेकंड ऑप्शन है, उत्तन से भी आप आ सकते हो, बोरेली से भी आप आ सकते हो। ये आप देख सकते हैं बाजू में भी ये जो जगह है, ये भी जो यहाँ का जो बगीचा है, ये भी यहाँ के ओनर का ही है, बट यहाँ से उन्होंने बंद किया हुआ है। एंड बस इस बगीचे के आप पीछे ही साइड आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे गोराई बीच। तो वैसे यहाँ से भी रास्ता बंद है, यहाँ पे गोराई बीच भी नज़दीक ही है। और उसके बाद है ये है हमारा कॉटेज, आज का हमारा गोराई बीच कॉटेज, जो कि टोटल 2 BHK कॉटेज है। यहाँ पे आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं विथ 1 हॉल, और साथ में किचन भी है एंड 2 वॉशरूम भी है। ये है यहाँ का बाहर का एरिया, जहाँ पे आप बैठ बाहर फैंस एंड ऑल लगे हुए हैं, यहाँ पे आप बाहर बैठ के भी चिल कर सकते हैं। एंड अब करते हैं अंदर से एक्सप्लोर। तो ये है हॉल, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का हॉल मिल जाता है यहाँ पे आपको, लेकिन हर हॉल हर बेडरूम में आपको यहाँ पे 1 या 2 बेड यहाँ पे आपको मिलते ही है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे भी बेड है। एंड ये हमारे जो बलून्स है अंदर के रूम से ज़रा उड़ के यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ का हॉल भी बहुत ही बड़ा है, आप यहाँ पे भी अंदर कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, आप यहाँ पे हॉल भी डेकोरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको 2 बेडरूम, यहाँ पे आपको जो भी आपको शॉल एंड ऑल सब इस कबर्ड के अंदर ही रखे हुए, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। एंड जस्ट बाजू में आपको मिल जाता है एक और बेडरूम, इसी बेडरूम में हम लोग ने आज डेकोरेट किया था। हम लोग ने थोड़ा गंदा कर दिया ये बेडरूम, बट यहीं पर हम लोग ने आज बर्थडे सेलिब्रेट किया था एंड यहीं पर हम लोग ने डेकोरेट किया था। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर किचन भी मिल जाता है, किचन के लिए आपको जो भी प्लेट्स एंड ऑल है, जो भी आपको अगर यूटिलाइज ये चाहिए, आपको बर्तन एंड ऑल चाहिए, तो आपको यहीं पर अंकल को आप मांग सकते हैं, अंकल आपको दे देते हैं। वॉशरूम भी आपने देख लिया, वॉशरूम भी यहीं पर बाजू में था। एंड कुछ इस प्रकार का आपको मिल जाता है हॉल के साथ एक बेडरूम। एंड जस्ट उसके बाजू में ही आपको मिल जाता है सेकंड बेडरूम, ये है यहाँ का सेकंड बेडरूम। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अंकल ने कहा है आपको अगर जैसा यूज़ करना है, जो चीज़ के लिए आपको यूज़ करना है, बर्थडे डेकोरेट सेलिब्रेशन जैसा आपको चाहिए आप वैसा कर सकते हो, कोई भी लाइक कोई भी इशू नहीं है। बस इतना है कि दीवार यहाँ पे ख़राब नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उनको यहाँ के डेकोरेशन से कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी एक किचन बनाया हुआ है, यहाँ पे भी वॉशरूम है, आपको यहाँ पे 2 वॉशरूम मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको पानी का भी कोई इशू नहीं है, 24 आवर्स के लिए यहाँ पे पानी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे अभी आपको बर्तन भी ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ था हमारा गोराई बीच कॉटेज, आप देख सकते थे जैसे काफ़ी शांत जगह है, यहाँ पे सिर्फ हम हैं और जो हमारा ग्रुप है सिर्फ वही थे। हम लोग जैसे मैंने बताया, हम लोग जो ऑफिस वाले है, ऑफिस में एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे वन डे के लिए यहाँ पे बुक किया था। तो उसके साथ अभी बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ये जो प्राइस है यहाँ पे आपको जो वन डे का प्राइस है, आपको वन डे के हिसाब से 3,500 रुपीज़ में ही सिर्फ आपको ये विला मिल जाता है।
अगर आप मॉर्निंग 10 to 6 के लिए, अगर आप वो भी 10 बंदे के साथ, लाइक अगर आप लोग 10 लोग है, 10 लोग का ग्रुप है, 8 लोग का ग्रुप है, 6 लोग का ग्रुप है, तो आप लोग को ये मिलता है टोटल 3500, लाइक 3500 रुपीज़ में आपका ये पूरा विला हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपका फूड इंक्लूड नहीं है, बिकॉज अगर आपको फूड करना है तो यहाँ पे पास ही में एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो अंकल है, जो यहाँ के ओनर है, उनका मेन्यू रहता है, आप वो मेन्यू ले सकते हो एंड यहाँ से पास ही में से ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहते हो वन नाइट, तो वन नाइट का यहाँ पे भी चार्जेस सेम ही रहेगा 3500, लेकिन 5 लोग के हिसाब से। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि अगर आप आते हो 5 लोग तो आपको पे करना है 3500 रुपया, 3500। अगर आप मॉर्निंग के लिए आते हो 10 to 6 के लिए, तो आपको पे करना है 10 लोग के हिसाब से, जो कि 3500 ओनली। लेकिन अगर आप मॉर्निंग के आ रहे हो एंड आप लोग है 10 लोग, लेकिन आपके पास कोई साथ में 11वां या 12वां बंदा है, तो आपको पर पर्सन का 200 रुपीज़ बढ़ जाता है मॉर्निंग के हिसाब से। और अगर आप नाइट के हिसाब से आ रहे हो एंड आपका जो चार्जेस है 3500 5 लोगों का, लेकिन अगर कोई 6ठा 7वां बंदा बढ़ जाता है, तो उसका चार्जेस हो जाता है आपका 300 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा। तो आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे क्या डिफरेंस है डे एंड नाइट के प्राइसिंग में। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी नहीं समझा हो, अगर आपको कोई भी कोई क्वेश्चन होगा, तो अंकल का नंबर एंड अंकल का जो गूगल लिंक है, मैप लिंक है, मैंने जो कॉन्टैक्ट डिटेल वाले जो उनका गूगल पे लिंक है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आप उनसे बात कर सकते हो। काफ़ी फ्रेंडली है वो, उनका नाम एलन है, बहुत फ्रेंडली है। आप उनसे जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आपको कोई भी अगर डाउट है, आप सब क्लियर कर सकते हो। एंड आप उनको अगर एड्रेस भी जाते हो, तो भी एड्रेस आपको बहुत ही डिटेल में वो समझा देते हैं। फिर भी मैंने जो मैप तक का लोकेशन है, जहाँ तक हमको मैप लेके आया था, परफेक्ट था। आप फिर भी यहाँ पे पूछ सकते हो, एलन वाड़ी बहुत ही फेमस है, आपको कोई भी बता देगा एलन वाड़ी कहाँ पे है। एलन अंकल का नाम भी एलन है, बिकॉज वो यहाँ पे बहुत फेमस अंकल है, तो हर कोई उनको जानता है यहाँ पे। यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ ओनली कपल्स को यहाँ पे रूम नहीं दिया जाता है, विला नहीं दिया जाता है। अगर आप ग्रुप में हो एंड अगर कोई बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, तो ही दिया जाता है, अदरवाइज कपल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे पूल नहीं है, तो अगर कोई सोच रहा होगा यहाँ पे पूल है, पूल नहीं दिखाएगा, तो एक्चुअली यहाँ पे पूल नहीं है, विदाउट पूल का विला है, क्योंकि बिकॉज इतने कम प्राइस में तो विदाउट पूल ही मिलेगा, लेकिन इतने कम प्राइस में काफ़ी बेस्ट मिला भैया हमें तो। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर, बिकॉज मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी थी, तो उसके लिए मैंने सोचा आप लोग क्या भी शेयर करनी चाहिए। इसलिए छोटा सा प्रॉपर्टी व्लॉग था आप लोग के लिए, हो सकता है बिकॉज बहुत सारे लोग अभी वैकेशन में बर्थडे पार्टी के लिए, कोई ना कोई छोटे छोटे फंक्शन के लिए, जैसे गेट टुगेदर वगैरह होता है, उसके लिए सर्च करते हैं ऐसे छोटे छोटे विला। तो बहुत ही अच्छा विला था ये, तो उम्मीद है आप लोग को फिर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दो यार, एंड बेल आइकन को बिल्कुल बजाइए, बिकॉज उसी वजह से आपको मिलेगा चैनल का नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं आपको सीधा मेरे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए।